छत्तीसगढ़ में मानसून ब्रेक की वजह से बारिश पूरी तरह से थमी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अच्छी बारिश 25 जुलाई के बाद होने की संभावना जताई है। एनएस मेहता की माने तो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ में होगा और इसकी वजह से 25 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय होगा। इधर बारिश नहीं होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके धान के पौधे धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं और बारिश न होने के कारण अब खेतों में दरारें भी दिखने लगी हैं। अब तक खेती का 75% काम हो जाना चाहिए था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं हो सका। हाँ, मानसून तो मानसून इतना एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जैसे आधे डिस्ट्रिक्ट मतलब 27 में से 17-18 जो है ये डिस्ट्रिक्ट डिफिशियंट में है, कम है वर्षा, और ये खासतौर से सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आ रहा है। और अभी 25 से तो ये एक सिस्टम भी बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसके कारण ये 25-26 से मानसून सक्रिय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ को और ये मध्य छत्तीसगढ़ को भी अच्छी संभावना है, वर्षा की संभावना है। 25-26 से लगातार अपने को वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सावन में भी मानसून रूठा हुआ है, इससे अगर लेकर खेती किसानी में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पारसनाथ किसान जी हैं, उनसे जानते हैं। पारस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी सावन का माह है, इस दौरान खेती किसानी में पानी नहीं मिलने से कितना प्रभाव पड़ेगा? वर्षा का प्रभाव खेती पर पड़ चुका है। आज के दिन में 25% फसल नष्ट हो गया है पूरी तरीके से, और अगर तत्काल भी पानी गिरना चालू हो जाए तो भी 25% की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। और अगर यही स्थिति रहा तो पूरा फसल बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज ट्यूबवेल भी बंद होने की कगार पर है, बांधों से पानी नहीं मिल रहा है और काफी दयनीय स्थिति निर्मित होने वाली है। जैसे कहा जाता है कि अभी का फसल वर्षा पे निर्भर रहता है, क्योंकि जो है जिनके पास ट्यूबवेल है और जिनके पास अभी भी साधन है पानी के, क्या उसका फायदा मिलेगा? एक बार रिपीट करेंगे, जैसे कि ये अभी का जो फसल होता है वर्षा पे आधारित कहा जाता है, लेकिन अन्य साधनों से जो पानी मिलता है उसका कितना असर रहेगा? नहीं, अगर वर्तमान यही स्थिति रहा तो ट्यूबवेल भी फसल को बचाने में अक्षम साबित होगा। आप सरकार की ओर से क्या आस करते हैं, क्योंकि प्रदेश सूखे के कगार में है, उनको क्या किस तरह से एक्शन लेना चाहिए इसमें? ये तो प्राकृतिक आपदा है, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, किंतु ये वर्षा बिना फसल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, भविष्य में जो संकट है उससे उबरने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगामी संकट है उसे बचा जा सकता है। इस बारे में मेरा मत है कि अभी लंबे समय तक, अभी हम लोग पूर्व में सरकार थी, उसने सिंचाई पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी जो पैरी हाई डैम से गंगरेल बांध को जोड़ने का जो एक प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, अगर उसको सरकार पूर्ण कर लेती है तो सिंचाई का रकबा काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह अन्य बांधों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जगह जगह छोटे छोटे स्टाप डैम बना करके अपना वाटर रिचार्ज बढ़ाया जा सकता है, और तभी हम पेयजल संकट और खाद्यान्न संकट से बच सकते हैं। अन्यथा विशेषज्ञों ने तो घोषित कर दिया है कि अगला समय जो होगा पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, पानी के लिए युद्ध होगा, और ये परिलक्षित हो रहा है। अल्प वर्षा का संकट हमारे सामने है, लेकिन इस अल्प वर्षा की वजह से खेती किसानी का कौन कौन सा कार्य रुका है जो इस समय तक हो जाना था सावन तक? अभी तो हम न खाद डाल पा रहे हैं, न दवाई डाल पा रहे हैं, न हम निंदाई कर पा रहे हैं, न ब्यासी कर पा रहे हैं, न रोपा कर पा रहे हैं, और जो नर्सरी में रोपा लगा है पानी के अभाव में वो भी उसका उम्र ज्यादा हो गया है। साधारणतः 21 दिन में हमारी रोपाई चालू, थरहा लगाने के पश्चात 21 दिन में रोपाई चालू हो जानी चाहिए, आज वो भी काफी लेट हो गया है, उसका भी उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अभी आपने किसान को सुना जिनका कहना है कि अल्प वर्षा से अभी तक 25% लगभग खेती प्रभावित हो चुकी है, अगर समय रहते वर्षा नहीं हुई तो इससे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश सूखे के कगार में आ जाएगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।